बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की, कहा लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं, धार्मिक संरचना सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। बुलडोजर एक्शन पर 17 सितंबर तक जारी रहेगी रोक। उत्तर बिहार में बाढ़ से भारी तबाही, बाढ़ की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित। पिछले 24 घंटे में 7 तटबंध टूटे, 16 जिलों में हाई अलर्ट। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का चीन को लेकर बड़ा बयान, कहा एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव है, हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं प्रधानमंत्री होलनेस। हरियाणा के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, शाम 4 बजे पलवल में रैली, राहुल की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन, बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसभा। जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज में 40 विधानसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग, सुबह से पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार, जम्मू डिवीजन की 24 और घाटी की 16 सीटों पर मतदान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, वांगचुक के साथ करीब 150 लोग भी हिरासत में लिए गए, दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। फिल्म एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा की हालत खतरे से बाहर, अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी कर कहा गलती से चल गई थी गोली, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। शिगेरू इशिबा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री, फूमियो किशिदा ने पूरी कैबिनेट के साथ दिया इस्तीफा, इसी महीने 27 अक्टूबर को चुनाव कराने का ऐलान। भारत ने जीता बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, कानपुर टेस्ट में भारत की 7 विकेट से जीत, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया से 2-0 से जीती।